अब हम बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग को रोकने वाले कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आती हैं जब हम एक्टिव लिसनिंग की कोशिश करते हैं, एकदम एक्टिव रह के सुनने की कोशिश करते हैं। तो पहला बैरियर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस का मतलब क्या होता है कि आप ये समझिए कि आप सपोज जो लेक्चर सुन रहे हैं या कोई भी चीज़ सुन रहे हैं और जिस लैंग्वेज में स्पीकर बोल रहा है उस लैंग्वेज की आपको या तो नॉलेज ही नहीं है, या नॉलेज है तो उसमें बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अक्सर इंग्लिश के साथ होता है कि आप इंग्लिश मूवी इसलिए नहीं देखना पसंद करते हैं कई लोग कि उनको उसकी वोकैब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन उनकी वोकैब जो है बहुत अच्छी नहीं है, या कभी कभी आपको चीज़ें आती भी रहती है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप में शाइनेस इतनी ज़्यादा है, आप कहोगे पहले से ही मान के बैठ जाओगे नहीं भाई हमें इंग्लिश मूवी जो है समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मतलब कि अगर इंग्लिश मूवी समझ में आ भी सकती है आप तो भी आप अगर चल रही होगी ना तो उसको देखोगे ही नहीं, उसको उसके जो डायलॉग्स हैं उनको सुनने की कोशिश ही नहीं करोगे क्योंकि आप शाई फील कर रहे हो, आपको लग रहा है या आप अपने आप को अंडरस्टिमेट कर रहे हो। तो ये एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक्टिव लिसनिंग में कि अगर कहीं पे कोई लेक्चर जनरली आप इंडिया में देखोगे होता है कई लोगों के साथ कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में बोली जा रही है, कहीं लेक्चर इंग्लिश में चल रहा है, कोई भी चीज़ इंग्लिश का कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो पहले से ही मान के बैठे होते हैं कि यार उनको हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या तो मे बी उनके इंग्लिश की वो कैप बहुत कम होती है या एकदम से ही कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो एक्टिव लिसनिंग में एक इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस के कारण, क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का प्रॉपर बेस नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो है लोगों के लिए बैरियर का काम करता है। दूसरा हम देख रहे हैं पार्शियल लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग की बात कब आती है, आपने अक्सर देखा होगा आपको सपोज मोबाइल पे कॉल आए और आप कान की लीड लगाकर कॉल ले रहे हो और साथ ही साथ सर्फिंग करते जा रहे हो या लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, राइट। तो जो मल्टीटास्क वाले लोग होते हैं जो एक साथ कई सारे काम करते हैं वो क्या करते हैं कि कई सारे काम करते रहते हैं तो पूरी बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो कन्वर्सेशन फ़ोन पे कन्वर्सेशन के साथ साथ कुछ और कर रहे होते हैं तो पूरा कभी कभी उनको आइडिया नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं ध्यान उनका भटक जाता है क्योंकि साथ में दूसरे भी काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एक्टिव लिसनिंग का बैरियर जो है वो बन जाता है और वहाँ पे पार्शियल लिसनिंग होती है यानी कि पूरे कंटेंट को वो सुन नहीं पाते हैं, राइट। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिस इंटरेस्टनेस। डिस इंटरेस्टनेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट का है ही नहीं। आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स का जो टॉपिक में मज़ा नहीं आता है, जो उनके इंटरेस्ट का नहीं है वो उसको पूरी तरीके से जो है एक्टिवनेस के साथ नहीं सुनते हैं। वहीं अगर उनके कोई एकदम इंटरेस्ट वाला टॉपिक आ जाए तो वो उनको बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। ये मैंने खुद अपने स्कूल टाइम पे देखा है कि अक्सर ये होता था कि जो हिंदी या इंग्लिश की पोइट्री लिटरेचर का लेक्चर होता है वो स्टूडेंट्स को जनरली पसंद नहीं आता है, लेकिन जब भी उसमें लव से रिलेटेड अगर कोई पोइट्री आ जाती थी, लव या रोमांस से रिलेटेड कुछ आ जाता था तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्या है जाग जाता था, तो वहाँ पे उनके कान खड़े हो जाते थे। तो आप ये देखेंगे कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव लिसनर के तौर पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये उनके लिए बैरियर बन जाता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि टॉपिक को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, राइट। तो आप तो जब भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, आप हमेशा यह समझो आप अपना अर्निंग का प्रोस्पेक्टिव रखो, आपको नॉलेज होगी तभी आप पेपर पास कर पाओगे और पेपर पास कर पाओगे तभी आप जो है अर्न कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है आपका प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच। प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच
में बेसिकली क्या होता है कि जो लिसनर है वो पहले से ही जज करके बैठा रहता है स्पीकर के बारे में, या तो कुछ सोच कर बैठा रहता है या स्पीच के बारे में सोच के बैठा रहता है कि अरे ये तो बस ऐसे ही होगा, ये तो चीज़ें ऐसे ही होंगी। जैसे कि अक्सर हम लोग के माइंड में भी बना रहता है कि ठीक है, बहुत रेयर केस है कि मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे आते हैं जो बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, तो कभी भी कुछ ऐसा होने वाला होगा तो पहले से ही माइंड में बना रहेगा अरे बहुत बोरिंग होगा, राइट। तो ट्रेनिंग्स भी होती है, उसमें भी कभी कभी लेक्चर्स होते हैं, तो मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स मान कर बैठे रहते हैं, तो कभी कभी वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जबकि मैंने देखा है स्पीकर अच्छा बोल रहा होता है, थोड़ा सा अगर वो ध्यान लगा के थोड़ा सा कंटेंट सुन लेंगे तो आगे का इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है, लेकिन जो लिसनर्स हैं वो स्पीकर के बारे में पहले ही जजमेंट दे चुके हैं, या तो उसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, तो पहले से ही जज कर लेता है अरे ये क्या बोलेगा, ये जो बोलेगा ये हमें ऑलरेडी पता होगा, या ऐसी चीज़ें जो है माइंड में आती रहती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार जो था हमारा, अक्सर हमारे ICSI में वेबिनार्स वगैरह होते रहते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें आती है, तो जब मैंने ये देखा कि श्री श्री रविशंकर जी का और बाबा रामदेव जी का जब वेबिनार होना था तो सबका ये कहना था अरे वो तो वही चीज़ें जो हैं बोलेंगे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट, अलग टाइप का कंटेंट जो है दिया, तो वहाँ पे स्टूडेंट पहले ही सोच के बैठा रहता है कि अरे ये चीज़ें नहीं अच्छी होने वाली, यहाँ पे बस वो अपनी वही पुरानी बातें बोलेंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही अगर जो स्पीकर है उसकी पर्सनालिटी से लोग अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं जो गलत हो सकता है, और जो कि हमारी एक्टिव लिसनिंग का बैरियर भी बन जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेगेटिविटी टूवर्ड्स द स्पीकर, नेगेटिविटी टूवर्ड्स द स्पीकर, ये कि जो बोलने जा रहा है लिसनर उसको बिल्कुल पसंद ना करता हो। कई सारे हमारे ऐसे नेता रहते हैं जिनको हम सुनना नहीं पसंद करते, और कई सारे फेवरेट मतलब लीडर्स होते हैं जिनको हम सुनना बहुत पसंद करते हैं, राइट। तो जनरली क्या होता है, जैसे मेरे फेवरेट अटल बिहारी वाजपेयी थे तो मैं उनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसके अलावा अगर कोई लीडर आता था उस टाइम पे तो मुझे उसे नहीं सुनना पसंद रहता था, या अगर न्यूज़ में चल भी रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है तो मैं उसमें सुनने में टाइम नहीं देती थी। तो इसका मतलब कि कुछ लोगों में कभी कभी स्पीकर के प्रति अगर वो स्पीकर को लाइक नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बात को एक्टिव लिसनर बनकर नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पे आपने खुद देखा हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है तो मोदी जी ने जो बातें कही वो लोगों ने सुनी, राइट, क्योंकि वो लोग उनको पसंद करते हैं, उनके बारे में पॉजिटिविटी है इसलिए सुनी, एक्टिव लिसनर के तौर पे सुनी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लीडर को पसंद नहीं करते हैं तो चाहे वो जितना आके बोल ले वो लोग नहीं सुनते हैं, वो नॉन लिसनर का जो है रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब ये है कि कई लोग पहले से ही हार मान लेते हैं, मतलब जो लिसनर है वो पहले से ही मान लेता है कि स्पीकर जो बोलने जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल टीयर मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं आपको दे रही हूँ। जनरली आप अगर कॉमर्स ब्रीड के हैं तो आपके कोर्स में प्रोराटा करके एक शेयर्स का चैप्टर रहता है जिसमें आपका प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैंने देखा है 12th में वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होता है, और जब वो CACS में आते हैं और उनके लेक्चर्स लिए जा रहे हैं तो पहले से ही मान के बैठे होते हैं, कह रहे हैं हमें तो 12th में भी नहीं समझ में आया, हमें तो ये चैप्टर कभी समझ में आ ही नहीं सकता है, हमें तो ये चैप्टर समझ में कभी आ ही नहीं सकता है। तो वो क्या कहते हैं, पहले से ही हार मान लेते हैं। तो मतलब कि जब ऐसा भी स्पीकर बोल रहा है जो कि शायद वो अगर ध्यान से सुने तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को एज्यूम करके बैठे हैं कि हमें तो भाई समझ में ही नहीं आएगा, पहले से ही हार मान चुके हैं, तो वो सुनने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो पहले से ही डिफिडेंस जो वर्ड है वो डिफीट से यहाँ पे बना है, तो वो यानी कि अपने आप को पहले से ही हार मान चुके होते हैं। नेक्स्ट है ओवर एंथुसियाज्म,
या इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, ये डियर ये भी हम टीचर्स को क्लास में देखने को बहुत मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हो तो आप इतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो डियर, इतना ज़्यादा आपको वो टॉपिक मतलब पसंद आने लगता है कि आप एडवांस में, जैसे लॉ की बात करूँ तो लॉ में अगर आपका इंटरेस्ट जग जाता है तो आप एडवांस में एकदम से जो चीज़ें हैं वो पूछने लगते हो, अच्छा इसमें क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा। तो मुझे क्लास में बोलना पड़ता है भाई सब्र रखो, पेशेंस रखो, अभी आगे ये चीज मैं आपको जो है वो बताऊंगी। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, ओवर एंथुसियाज्म, राइट, कि आप मतलब वेट ही नहीं कर सकते, आपको लगता है बस सब कुछ अभी ही हमें क्या है मालूम पड़ जाए। या कभी कभी ऐसा होता है जब स्पीकर काफी स्लो बोल रहा होता है और सामने वाले को लगता है कि नहीं अभी ये बात पूरी कर ले और उसको वेट नहीं कर पाता है तो वो बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग का एक तरीके से बैरियर बन जाता है, जब क्योंकि इसमें बीच बीच में क्वेश्चन पूछने के कारण जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ब्रेक होने लगता है। नेक्स्ट कह रहे हैं डीप रूटेड बिलीफ। डीप रूटेड बिलीफ्स क्या होता है, जैसे कि आप पुराने समय के लोगों को देखोगे, आज की डेट में आपके लाइफ में लिविंग रिलेशनशिप एंड लव मैरिज ये सब बातें बहुत कॉमन है, लेकिन अभी भी आप पुराने जमाने के लोगों से डियर अगर बात करोगे तो जो उनके टाइम का जो सोच है वो उनके कहीं ना कहीं बहुत गहराई में बसा हुआ है, तो वो लोग इन सब टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आते हैं आपके डीप रूटेड बिलीव्स कि बहुत गहराई में जो आपकी चीजें सोच में कई लोगों की बसी होती है, लिसनर्स के दिमाग में बसी होती है, राइट। तो अगर उसके अपोजिट कुछ बात करी जाती है, एकदम अलग कोई बात की जाती है तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पे डीप रूटेड बिलीव्स, राइट। तो आई होप आपको बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।